खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है। राजस्थान के उदयपुर में पूर्व भाजपा नेता नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या और बरेली में कट्टरपंथियों द्वारा शनि नाम के व्यक्ति की रोटी के विवाद में हत्या कर दी, जिससे सनातन प्रेमियों में भारी रोष व्याप्त है। आज सुभाष नगर क्षेत्र के मोहल्ला मडीनाथ में अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक गंगवार के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं अपना विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सीओ आशीष प्रताप सिंह, थाना प्रभारी सुनील अहलावत को सौंपा। ज्ञापन में कन्हैया लाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी और आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की है। और बरेली में हुई दूसरी घटना, जिसमें कट्टरपंथियों ने सनी नाम के व्यक्ति की रोटी के विवाद में हत्या कर दी थी। उनके पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने और आरोपी को फांसी देने की मांग की है। भारतीय गौरक्षा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक गंगवार ने बताया कि हमने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है। ये उदयपुर में जो हमारे हिंदू भाई की जो घटना हुई है, टेलर की दुकान में अंदर उसके जो चाकू से मारा गया है, ये उस परिपथ से ज्ञापन दिया गया है कि क्या कहते हैं, 1 महीने के अंदर जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और उनकी जितनी संपत्ति है सारी जब्त करके क्या कहते हैं जो मृतक जो है उसके क्या कहते हैं परिवार वालों को दी जाए। और दूसरा ज्ञापन, दूसरा ज्ञापन अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद की तरफ से ये दिया गया है, जो 28/6 को कैंड में जो शनि की हत्या निर्मम हत्या कर दी गई दूसरे समुदाय द्वारा, इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कहीं ना कहीं इनके दिल और दिमाग में नूपुर शर्मा के बयान को लेकर आक्रोश था, जिसका बदला इन्होंने शनि से रोटी के बदले लिया गया। ऐसे लोग जो इस तरह की कट्टरता विचारधारा रखते हैं, ये लोग समाज और देश के लिए घातक है। इन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई बुलडोजर के तहत इनके ऊपर की जाए और सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह का अपराध करने की चेष्टा ना करें। और मीडिया और प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि मृतक के परिवार वालों को 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।